वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने भी कहा। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिबिन ना युंगी को बिल्कुल बेड पे पुश कर देता है और उसके ना ऊपर आ जाता है, उसको ना रफली जैसे उसके लिप्स को ना खा रहा है, इस तरह ना किस करने लग जाता है। सिर्फ हमने लिप्स का लिप्स भी ना इस तरह कर रहा था जैसे वो उसके लिप्स को खा जाएगा, युंगी के लिप्स को। जो युंगी था उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बट अभी वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था बिकॉज जिबिन उसके ऊपर कुछ इस तरह से उसने ना युंगी की बॉडी को अपनी बॉडी से लॉक किया होता कि जिबिन युंगी उठने का भी नहीं उठ पा रहा था। और जो जिबिन तो वो इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं ना, उसके क्लोथ्स में ना रिमूव करने लगते। और जो युंगी तो वो कहते कि ना बाहर जिबिन मुझे इतना मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा नफरत करूँ। बट जो जिबिन होता अभी उसको ना बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ना युंगी के बिल्कुल क्लोथ्स को उतार देता है। और उसको पता है कि जैसी एक दफ़ा जिबिन युंगी टर्न ऑन हो गए तो युंगी खुद भी नहीं रुकेगा, ना चाहते भी उसको, वो सब कुछ करेगा। तो जिबिन ना वैसा का वैसा करता है, उसको ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है, उसका ना बहुत ज़्यादा टच करता है। और जिससे ना जो युंगी होता है वो आखिरकार अपना कंट्रोल खो देता है जैसे जिबिन चाहता था। और उसके बाद फिर दोनों का लव मेकिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ है ना नीचे नीचे आ रही थी और देखो का ना फेस रेड हो जाता है। और फिर ना जो होते अंग होता है वो ना लो वॉइस में बोलते हैं कि जिबिन ऊपर किसी और काम के लिए नहीं किया था भला, वैसे बोलता। और उसका ना फेस रेड था तो फिर ना जो जक्कू को था स्माइल करता, वो कहता कि ना चलो हम भी कुछ इस तरह का ट्राई कर लेते हैं आज कुछ वर्ल्ड सा। तो फिर ना जो जिबिन क्या कि ये बात सुन के ना जगह के तो विना जो देखो तो उसके ना शोल्डर पे मारते हो, कहते कितने गंदे हो तुम। यहाँ जिबिन और यूं के बीच में इतना ज़्यादा हो रहा वो है अजीब एटमोसफेयर है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते लेकिन फिजिकल लाइफ में सेक्सुअल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो इस तरह बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ना तुम कितने गंदे हो, तो हर टाइम नोटिस होते रहते, अभी हमें जिबिन का हेल्प के बारे में सोचना चाहिए। तो ना जो जगह होता है वो ना योंगी बिल्कुल देखो के तेयंग के पास आते हैं, बोलता है कि तुम्हें पता है बेबी जब भी तुम्हारे साथ होते हो ना तो मेरा माइंड ज़्यादा काम कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं आइडिया सोचने लगा। ये बोलता रहा सुना जल्दी जल्दी ना फूड खिलाने लग जाए। तो तेयंग कहते क्या कर रहे हो, मुझे आराम से चू तो करने दो। तो फिर ना जो जंगकुक ना बस चकल गया था और उसको जल्दी से खिला के ना उसको ब्राइडल स्टार में उठा के ना रूम में ले आया था। फिर दोनों का ना बहुत ज़्यादा ना होनी वॉइस आ रहा था दोनों का, मीन्स दोनों रूम से और इस तरह करके दोनों कपल्स का इस तरह का ना मॉर्निंग टाइम होता है। और फिर ना वहाँ पर जब जिबिन आईज ओपन होती हैं तो देखते हैं वहाँ पूरे रूम में ना युंगी नहीं है। और फिर ना वो सोचते हैं कि वॉशरूम में होगा, तो फिर ना वो स्माइल कहते हैं ना सर लिपिंग करता हुआ वॉशरूम में जाता है, बट वो वॉशरूम में नहीं होता। तो वो ना एक सैड फेस बना लेते हैं, अपना शावर लेके क्लोथ्स पहन के नीचे आता है तो देखता है वहाँ ना वहाँ भी युंगी नहीं है। तो वो तेकुक से पूछता है कि वो कहाँ है, तो युंगी बोलते हैं तो तेयंग बोलते हैं कि युंग यहाँ से चले गया। तो फिर ना जो जिबिन होता बोलना तो ओह अच्छा वो इससे बोलता है, फिर ना थोड़ा सैड हो जाता है। तो ना जक्कू कहता है कि युंग जिबिन हुए तो मैंने एक और आइडिया देते हो, तो मैं काम करो यूँ ना डिनर ब्रेकफास्ट में करके गए तो तुम उनके ऑफिस में ना उनका लंच ले जाना। तो ना जिबिन खुश हो जाता है और कहते हैं नहीं मैं लंच नहीं लेके जाऊँगा, मैं उसके साथ ना लंच डेट पे जाऊँगा। तो दोनों कहते हैं ओके ठीक है देन हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो ना जो जिबिन होता है कहते हैं नहीं मैं अपनी बाइक से जाऊँगा, तो फिर कहते बाइक, तो फिर कहते हैं मैं अपनी बाइक से जाऊँगा। तो फिर ना जो तेयंग तो ना उसकी तरफ ना ऐसे एक ना वो लुक देता है और फिर कहते हैं कि जिस तरह का तुम लैंपिंग कर रहे हो तुम बाइक पे बाइक आराम से ड्राइव कर सकोगे। तो ना जिबिन को याद आता है और उसका ना थोड़ा फेस भी रेड रेड सा हो जाता है। और फिर ना दोनों हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ना हम तुम्हें छोड़ देंगे, ह्यूंग के पास ह्यूंग का कर रहे हो तो तुम उससे ना ह्यूंग को ले जाना। तो ना जिबिन कहता ओके इस तरह करके ना फिर जब वो थोड़ा टाइम स्किप होता है तो हम देखते हैं लंच का टाइम। तो फिर जो ऐसे जो जिबिन होता है उसने पेन किलर्स खा लेता है और अब उसकी बॉडी में पेन नहीं था तो वो आराम से ना वो कर पा रहा था, बट थोड़ा सा उसको लिपिंग कर रहा था बट इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं था। तो जब देखते हैं मिनी कंपनी में
आया हुआ है, जीवन आया हुआ है मीन्स माफिया के, तो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते, बहुत ज्यादा ही जैसे ना पूरे और स्टाफ है ना पूरे ऑफिस में जैसे बिल्कुल सन्नाटा फैल गया, जैसे सब वहां पर कोई भी हो ही ना सारे डेड हो, इस तरह बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और फिर ना जो जीवन है तो उन सब की तरफ ना एक अजीब सा लुक देता है ऐसे ना गॉड ग्लेयर वाला, बिकॉज वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए है, फैमिली के लिए अच्छा है और बाहर बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कोल्ड है ये वो। और ना इस तरह करके ना बिल्कुल सीधा एंटर हो जाता है और जो वहाँ पे ना सारे ना बिल्कुल शौक होते कि ये युंगी के कैबिन में ऐसे ना जिमिन चला गया। और फिर ना जो युंगी होता वो अंदर देखता है और जब वो देखता है कि इसको ना ऐसे कोई कैबिन में आ गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो बगैर अंदर अंदर बगैर पूछे आने का। तो ये बोल के ना वो जब सामने देखते तो वहाँ पे जीवन है, तो फिर ना जो योगी तो ना बहुत ज्यादा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो तुम मेरे ऑफिस में क्या करो निकल जाओ यहाँ से गार्ड, इस तरह करके ना बुलाने लगता। तो ना जो जीवन है तो वो ना एक उसको लुक देते हुए कहते कि ना मेरे साथ ना एक डेट पे चलो, तो फिर कहते डेट मैं तुमसे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। तो ना जो जीवन होता है वो उसकी तरफ ना ऐसे थोड़ा सा ना कोल्ड टोन में बोलते मेरे साथ तुम चल रहे हो वरना कल तुम्हारे दोनों कजन ब्रदर और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का दोनों का ये फ्यूनरल उठेगा। तो ना जो यूंगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और ना जिमिन की नेक को ग्रैप कर रहे थे, बट जो जिमिन होता है वो बस ना एक मिस्टीरियस स्माइल कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है और कहते हैं चुप करके मेरे साथ चल रहे हो या फिर कल उनका फ्यूनरल में जाओगे। तो ना जो यूंगे तो उसको ना जोर से पुश कर देते हैं जिससे ना वो जो जिमिन था वो गिरने ही वाला था बट अपने आप को ना वो हैंडल कर लेता और फिर तक खड़ा होकर ना गुस्से से ना यूंगी की तरफ घूमने लगता है। और फिर ना वो बस बस से क्योंकि घेरे सांस लेते उसके बाद ना कैबिन से बाहर चले जाते। और ना जो जीवन होता वो ना उसकी आज में हल्के टीयर्स तो थे बट वो ना विक्ट्री वाली स्मेल करते हैं और फिर कहते कि ना बहुत जल्दी तुम मेरे हो जाओगे जियोगे, तो इस तरह बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिर ना उनका डेट गुजरता है जहाँ पर जियोगे तो बिल्कुल ही सैडनेट बैठा था और बहुत ज़्यादा अनोयड लग रहा था, बट जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था, वो थोड़ा सा तो बुरा लग रहा था बट वो इसको जाने दे दे। उसके बाद फिर इस तरह ना गाइस अब मैं टाइम स्किप कर रही हूँ और अब हम देखते हैं 2 मंथ्स बाद का सीन जहाँ पे ना थोड़े से ना टर्म्स जो थे वो थोड़े से ना चेंज हो गए थे। योंगी का बिहेवियर स्टिल तो वैसे था पर थोड़ा सा चेंज हो गया था, वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा रूड या फिर ना इंसल्ट नहीं करता था जिमिन को। और जिमिन और कुक वीमिन कुक का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा हो गया था। और इधर हम देखते हैं जो ना तीनों बैठे होते हैं ना बात कर रहे थे, अब इवनिंग का टाइम था और जिमिन था वो ना पॉट बना के बैठा हुआ था एज उसके ना बिल्कुल हैंड में ना वाउंड हुआ हुआ था और फिर ना वो ऐसे ना पॉट बना के बैठा था और फिर और उसका ना एक जो तेन था वो उसको क्लीन करा था। तो फिर कहते कि ना तुम इस तरह के माफिया वर्क में क्यों हो, तुम इसको छोड़ के नहीं देते। तो फिर ना जो जिमिन तो वो ना बस एक स्माइल के तो फिर कहते हैं मुझे ये चीज़ पसंद है मैं नहीं छोड़ सकता ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे फादर भी ये कहते हैं सारे इससे क्यों डरते हो इतना तो अच्छा है। तो फिर ना जो जीवन होता है वो जीवन ये बोलते हैं और ना उस टाइम पे ना पीछे से जको बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो भी छोड़ देना चाहिए। तो फिर ना ह्यूं को भी ये पसंद नहीं है तो ना जो जीवन होता वो ना बस एक सैड ना बिल्कुल ऐसे गहरे सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं क्या करूँ तुम्हारा यूं को मेरी कोई चीज़ भी नहीं पसंद, वो बहुत से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, हमारे मैरिज को इतना ज़्यादा टाइम होने वाला है, हमारे मैरिज को अब 3 मंथ्स पूरे होने वाले हैं बट वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसको मेरा बिल्कुल भी केयर नहीं है, मैं इतना ज़्यादा टाइम हो गया इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा चुका हूँ बट वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर ना जो देंग होता है तो कहते हैं कि अब तुम गिव अप कर दोगे, तो जीवन बोलता है नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगा, योगी के ऊपर मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा और मैं पार्क जीवन से अब मिनी जीवन हूँ और मेरे पास डबल स्ट्रेंथ है तो मैं तो बिल्कुल भी हारने के लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं योगी को अपना बना के रहूँगा। तो ना जो देखो कहते हैं उस पार कहते हैं कहते हैं तो तुम्हें यूं के बारे में बात करना चाहिए।
मैं भी हूँ ऐसा ना सोचा। तो फिर ना जो जीवन तो यही सांस लेता हूँ, कहते मैं जूंगी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं क्या करूँ जो मुझे एक्सेप्ट कर ले। वो उसी टाइम पे ना जो थे को कुछ बोलने वाले थे, बट पीछे तो आवाज आता है को ना बहुत ज्यादा डीप वॉइस होता है जो जूंगी का होता है। और नहीं ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करें। टाटा बाय।